हरियाणा में सियासी माहौल तेज है। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र रखते हुए जननायक जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी आलाकमान ने 5 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जेजेपी की जारी पहली लिस्ट में सिरसा से रमेश खटक, हिसार से नैना चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह, गुरुग्राम से राहुल यादव और फरीदाबाद से नलिन हुड्डा का नाम शामिल है। इस सूची में सबसे रोचक नाम हिसार लोकसभा सीट से नैना चौटाला का है। आपको बताते चले कि हिसार लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर दुष्यंत चौटाला के दादा रणजीत चौटाला मैदान में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में हरियाणा की इस लोकसभा सीट पर परिवार की सियासी जंग देखने को मिलेगी। मौजूदा समय में दादरी जिले के बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी की विधायक नैना चौटाला हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां हैं और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चौटाला की धर्मपत्नी हैं। नैना चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला के परिवार से सियासत की दुनिया में आने वाली पहली महिला हैं जो कि विधानसभा पहुंची हैं। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से राव बहादुर सिंह को जेजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। राव बहादुर सिंह ने वर्ष 2005 में राजनीति में आए, नारनौल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। वो निर्दलीय राधेश्याम शर्मा से चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में नवगठित नांगल चौधरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इनोलो की टिकट पर वो चुनाव जीत गए थे। वहीं बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिकी हुई हैं। आखिर कब बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और वो कौन से उम्मीदवार होंगे जिन्हें कांग्रेस मैदान में उतारेगी।